नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। जमानत पर रिहा होकर वर्ष 2016 से फरार 25,000 रुपए का इनामिया आज गिरफ्तार हो गया है। घटना के बारे में आपको बता दें कि 24 अक्टूबर 2013 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षी बाबुल यादव पुत्र राम शकल यादव निवासी मोहनपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ वादी के नाबालिग लड़की को लेकर भाग गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा किशोरी को बरामद कर अभियुक्त को न्यायालय प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। 15 अप्रैल 2014 को अभियुक्त बबलू यादव पुत्र राम शकल यादव जमानत पर रिहा होकर फरार हो गया तथा न्यायालय प्रस्तुत नहीं हो पा रहा था। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा अभियुक्त बबलू यादव के विरुद्ध धारा 82-83 CRPC की कार्रवाई की गई और जमानतदारों के खिलाफ वसूली वारंट जारी किया गया तथा न्यायालय के आदेश के क्रम में अभियुक्त बबलू यादव को गिरफ्तार कर जिला कारागार से निरुद्ध कर दिया गया। अभियुक्त पुनः जमानत पर रिहा होकर वर्ष 2016 से फरार चल रहा था तथा तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो रहा था। इसके क्रम में न्यायालय के आदेश के क्रम में आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले में SPCT सुरेंद्र लाल ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। ये बबलू यादव नाम का एक अपराधी है जो बलात्कार व लड़की भगाने के मामले में वांछित चल रहा था 2016 से। इस पर 25,000 का इनाम घोषित था। यह अपराधी उड़ीसा में रोशन बेहरा नाम से रह रहा था। इसकी गिरफ्तारी करी गई है, टीम यहाँ से गई थी और वहाँ से फाइनली इसकी अरेस्टिंग इस आदमी की हुई है। इसको न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। इसके जब यहाँ से बेल हुई तो बेल के उपरांत ये कोर्ट में इस आदमी ने आना बंद कर दिया। इसके उपरांत हाई कोर्ट में फाइनली इसके वाद मुकदमे के वादी ने अप्लाई किया और वहाँ से इसके बेल कैंसिलेशन कराई। बेल कैंसिलेशन के उपरांत हाई कोर्ट ने इसके गिरफ्तारी के डायरेक्शन दिए। गिरफ्तारी के डायरेक्शंस के क्रम में इस आदमी को की अरेस्टिंग करी गई। ये 25,000 का इनामी है और 2016 से ये फरार चल रहा था। सर, पुलिस के सामने एक चुनौती थी क्योंकि नाम बदल के रह रहा था, कोर्ट से वारंट आ रहा था, तो ये पुलिस के लिए कितनी चुनौती भरा काम था? ये पुलिस ने लोकल इन्फॉर्मेशन की सहायता ली व सर्विलांस की सहायता ली, उससे आदमी ये फाइनली उड़ीसा में ट्रेस हुआ कि ये नाम बदल कर वहाँ पर रह रहा है। इसको वहाँ से पहले बम्बई ट्रेस किया गया, बम्बई से फाइनली उड़ीसा ट्रेस किया गया, फिर इसके उपरांत इसके आदमी की गिरफ्तारी करी गई है। सर, कोर्ट से अगर वारंट आता था तो रोशन के नाम से आता था या फिर ये नाम चेंज किया था? ये बबलू यादव के नाम से ही आता था, सभी लोग इसको बबलू यादव के नाम से जानते थे। वहाँ जाके इसने अपना नाम बदला, इसने फर्जी अपना आधार कार्ड दूसरे नाम से बनवाया और दूसरे नाम से आदमी वहाँ पर उड़ीसा में रह रहा था, जिसकी गिरफ्तारी करके इसको लाया गया। सर, इस पूरे घटनाक्रम में जिसने आधार कार्ड बनाया वो भी तो इस घटना में शामिल है, फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में, वो लोग कौन थे? ये विवेचना का हिस्सा है। विवेचना में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध नियम अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।